हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप किसी भी यूट्यूबर का वीडियो पर ग्रीन स्क्रीन लगाकर आप अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। आप अपलोड करेंगे तो आपके वीडियो पे ना तो कोई भी कॉपीराइट आएगा और ना कोई भी स्ट्राइक लगेगा, और आप किसी दूसरे का वीडियो अपलोड करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल से, और अपना चैनल मोनेटाइज भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा चैनल। तो किस प्रकार से करना है मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप किसी के भी वीडियो पे ग्रीन स्क्रीन लगाकर आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या अभी तक मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के YouTube से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने मोबाइल के होम पेज पर आ गया। होम पेज पर आने के बाद YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक शॉर्ट वीडियो सर्च करना है, जो खोजना है। अब जो भी वीडियो को आप लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, वीडियो को मैंने इस प्रकार से देखा, उसके बाद साउंड को कम कर लिया। कम करने के बाद रिमिक्स वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, जो कि नीचे में देखिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन वाले ऑप्शन पर, ग्रीन स्क्रीन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद डन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग होगा। जब तक फुल प्रोसेसिंग नहीं हो जाता है तब तक आपको वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फुल प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से फुल प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद कैमरा को बैक कैमरा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना बैक कैमरा कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा फेस इस प्रकार से मेरा फेस आ गया। उसके बाद वीडियो को चालू करना है। तो यहाँ पे जैसे कर लीजिएगा तो आपको फोटो को जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। उसके बाद आप छोटा बड़ा करके अपने उंगली के हिसाब से आपको जिस तरफ करना है उस तरफ कर लेना है। तो मैंने इस पर कर दिया, उसके बाद वीडियो को मैंने चालू कर दिया। तो यहाँ पर जैसे चालू कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए वीडियो रिकॉर्ड होना चालू हो चुका है। आप वीडियो में कुछ भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो मेरा रिकॉर्ड होने के लिए चालू हो चुका है। देखिए वीडियो अब कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो कि कंप्लीट होने के बाद ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। तो प्रोसेसिंग थोड़ा इसमें भी टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हो गया। होने के बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आने के बाद आपको जो भी रिलेटेड वीडियो है उस प्रकार से आपको टाइटल लिख लेना। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस्लामिक से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे देखिए इस्लामिक सॉन्ग शॉर्ट लिख दिया हूँ। उसके बाद हैशटैग भी आपको जिस रिलेटेड वीडियो है उस प्रकार से हैशटैग भी लगा लेना है। मोटिवेशनल, यूट्यूब शॉर्ट, इस्लामिक, और यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल। इतना लिखने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लोकेशन आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे देखिए सेलेक्ट ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा था। आपको सेलेक्ट ऑडियंस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आने के बाद नो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जो कि नो वाले ऑप्शन पे, जैसे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखिए अपलोड वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एनालिस्ट जो है आपको उसको पब्लिश कर लेना है। पब्लिश करके आपको यहाँ पर वीडियो को अपलोड कर देना है, शॉर्ट को अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड कर दीजिएगा तो ये आपका वीडियो आपके चैनल पर अपलोड हो जाएगा, और आप इस वीडियो से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।